अस्सलाम वालेकुम। आम की आम गुठलियों के दाम। आप सोच रहे होंगे तलत क्या पक रही है। तो फ्रेंड, ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। तो आज की हमारी रेसिपी कुछ इसी तरह है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ तलत और आप देख रहे हैं तलत की। तो फ्रेंड, गर्मियों का मौसम है और गर्मी के मौसम में हमें ठंडा खाने को मिलेगा, वो भी बच्चों का फेवरेट आइसक्रीम। बच्चे हो या बड़े, सभी का फेवरेट आइसक्रीम। तो आज की रेसिपी हमारी है ये खरबूजे की आइसक्रीम। तो चले शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए खरबूजा। तो खरबूजा को हमें इस तरह से काट लेना है और इसके सारे बीज निकाल देना है। तो आम की आम गुठलियों के दाम मैंने इसलिए कहा था कि इसके बीज को हमें फेंकना नहीं है। इसके बीज हमें अच्छे से धो के इसे सुखा के रख दे और इसे इस्तेमाल करें, बहुत सारे सब्जियों में डालने के काम आते हैं। तो चले अब इसे हम छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। को पता है ये जो फ्रूट है बहुत ही कम कैलोरी वाली होती है, ये वेट लॉस के लिए बहुत ही फायदेमंद है अगर आप आइसक्रीम बनाकर ना खाए तो। शर्त ये है कि आपको इसी तरह से खाना होगा, इसमें फैट होती ही नहीं है। और सबसे अच्छी ये बात कि इसमें विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, आयरन और पोटेशियम पाए जाते हैं। आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। तो देखे आपने, मैंने इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसे पीस लिया है और हम बनाएंगे इसे व्हिपिंग क्रीम से। तो ये मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। तो हमें ले लेना है व्हिपिंग क्रीम और व्हिपिंग क्रीम को हमें व्हिप करना है इसी तरह। तो आइसक्रीम को बहुत तरीके से बनाए जाते हैं। ये व्हिपिंग क्रीम से भी बनाए जाते हैं, दूध वाले आइसक्रीम और कस्टर्ड डाल के भी बनाए जाते हैं। तो आज मैंने बस व्हिपिंग क्रीम और इसमें खरबूजे ही लिए हैं। तो हमने इसे अच्छे से व्हिप कर लिया है और इसमें डालेंगे ये खरबूजा और इसके साथ इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा चीनी, क्योंकि खरबूजा हल्का मीठा होता है और आइसक्रीम में थोड़ा सा मीठा हो तो मज़ा आता है। चीनी बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है और इसमें कोई भी फ्लेवर हमें नहीं डालना है, क्योंकि खरबूजे की अपनी फ्लेवर होती है। और इसे भी एक बार मिक्स कर दें। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और हमें एक कंटेनर में इसे डाल देते हैं और इसे सेलोफेन पेपर हो तो उसे अच्छे से कवर कर दें। तो मेरे पास सेलोफेन पेपर नहीं था, मैंने ऐसे ही नॉर्मल जो घर पे प्लास्टिक होते हैं मैंने उसे अच्छे से पैक कर दिया है। हमें फ्रीजर में रखना है 5 घंटे के लिए। तो देखें, यहाँ पर 5 घंटे हो चुके थे और मैं इसे अब निकाल के देख रही हूँ तो ये हल्का सा जम गया है। उसके बाद हमें एक चम्मच से इसी तरह से हमें इसे मिक्स कर देना है और फिर इसे दोबारा 5-6 घंटे के लिए रख देना है। तो देखें, तो 10-12 घंटा हो चुका है। चले देखते हैं आइसक्रीम हमारी कैसी जमी है। तो रात भर में आइसक्रीम बहुत अच्छे से जम चुकी थी। आइए इसे अब हम निकाल लेते हैं। देखकर तो आपका भी दिल कहता होगा कि मैं भी खाऊं आइसक्रीम, है ना, बिल्कुल बाजार जैसा, जैसे हम बाजार से लाते हैं। तो गर्मियों का मौसम है तो इसे बनाइए, खाइए और अपने फैमिली और बच्चों के साथ इंजॉय कीजिए। अरे एक बार बना के तो देखिए और अपनी एक्सपीरियंस हमें कमेंट के जरिए बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। खरबूजा जल्दी किसी को पसंद नहीं आता है, तो इतने गुणकारी जो फल है खरबूजा की, तो इसे अलग अलग तरह से बना के खाएं और इसका फ़ायदा उठाएं। तो फ्रेंड, आज की रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होंगे। तो आप इसे लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।